नमस्कार, मैं प्रवीण माहुलियार। कल मेरे कॉलेज में मेरा एक सेमिनार था, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। टॉपिक था कि कैसे ये जो नए बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जॉब प्लेसमेंट दिलाने के लिए, नौकरी करवाने के लिए तो बहुत सारे हम लोग के पास माध्यम अवेलेबल हैं जिससे हम सीख के समझ के ट्रेनिंग लेके नौकरी कर सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बहुत ही कम लोग प्रेरित भी करते हैं और बहुत ही कम ऐसे फनल्स अवेलेबल हैं जिसमें हम जाकर एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीख सकते हैं। आज की मेरी जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जो कि एक कोर्स में एनरोल्ड हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएड कर रहे हो और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं इसके बाद, ना कि जॉब करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आने वाले 2-3 सालों को, जिसमें कि आप पढ़ेंगे, इस काम के लिए निछावर कर सकते हैं, इस काम को समझने के लिए, सीखने के लिए। जैसे ही आप पास आउट हों तो आप खुद ब खुद का एक बिजनेस रन कर रहे हों। पिछले कई सालों से मैं भी कुछ बिजनेसेस रन कर रहा हूं और मैं एक विद्यार्थी भी हूं, स्टूडेंट भी हूं, तो मैं भली बात यह समझ सकता हूं कि एक स्टूडेंट को क्या क्या समस्या हो सकती है बिजनेस की शुरुआत करने में। उन सब का हल अपने 5-6 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ मैंने इस वीडियो में रखा है। तो ज़रूर अपना कीमती वक्त दीजिए अपने कीमत को बढ़ाने के लिए। आज की हमारी प्रेजेंटेशन बीबीए कोर्स को लेकर डिज़ाइन की गई है, लेकिन आप किसी भी कोर्स से हैं, आप अपने आप को फ्रेम कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन। बीबीए की जो पढ़ाई है वो आपको बिजनेस की जानकारी देती है, समझ बूझ देती है। जब आप बीबीए की पढ़ाई कर लेते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं अगर आपको पैसे कमाने हैं। या तो आप कहीं जॉब कीजिए, या तो अपना बिजनेस कीजिए, या तो मैनेजर बनिए या तो खुद ब खुद मैनेजमेंट बनिए। अगर आप मैनेजर बनते हैं तो जो बिजनेस स्किल आपने सीखी है उसका जो लाभ है 90% लाभ, वो आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपका मालिक ले जाता है और आपको सिर्फ 10% रिम्यूनरेशन या सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप खुद ब खुद मैनेजमेंट बनते हैं तो 90% आपका होता है, बाकी आपके एम्प्लॉयर्स का। तो क्यों नहीं इस रास्ते पर जाया जाए जहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। ने अगर अपने जीवन में कभी भी ये सोचा है कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ और उसको लेकर सीरियस है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक कर्मण मार्ग चुना है, एक जुझारू मार्ग चुना है। जो सब चुन रहे हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में 15-20% बच्चे ही जो कि पास आउट होते हैं कॉलेजेस से, वो बिज़नेस करते हैं, बाकी ज़्यादातर जॉब करते हैं। तो आप उन 20% के अंदर हैं और 80% का घर पालेंगे, इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन मैं अपने व्यवसायिक साथियों को हमेशा ये कहता हूँ कि जो जॉब करते हैं उनका भी सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप बिजनेस कर पा रहे हैं। वो हैं तो आप हैं, हम हैं तो वो हैं। मैंने आज की अपनी प्रेजेंटेशन को 4 स्टेप्स में बांटा हुआ है। उन 4 स्टेप्स को आप अपने 4 ईयर्स या 3 ईयर्स की तरह ले सकते हैं। अगर आप पहले साल में हैं तो उसमें आप पहला स्टेप करिएगा, दूसरे साल में जाएंगे अपने कोर्स के तो दूसरा स्टेप करिएगा, तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरा स्टेप करिएगा, चौथे साल में जाएंगे तो चौथा स्टेप करिएगा। और अगर आपके कोर्स में 4 साल है ही नहीं, 3 साल का है, तो चौथा साल आप पास आउट होने के बाद कर सकते हैं। पहले साल में क्या करें? पहले साल में आप अपने नीश को अंडरस्टैंड कीजिए, आपका पैशन क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए, आप किस काम में बेस्ट हो सकते हैं ये समझिए, किस काम के लिए भगवान ने आपको पैदा किया है, बनाया है, ये समझिए। सुंदर पिचाई अगर आर्मी में भर्ती हो जाते तो क्या एक अच्छे आर्मी ऑफिशियल बनते? नहीं, क्योंकि वो पैदा हुए थे टेक्निकल काम के लिए। बाबा साहब अगर एक कुम्हार बन जाते तो क्या वो अच्छे अच्छे पॉट बना पाते? नहीं, क्योंकि वो पैदा हुए थे संविधान लिखने के लिए। उसी तरीके से हर इंसान एक मकसद के लिए पैदा होता है, आपको अपना मकसद खोजना है, उसके लिए आप अपना पैशन हंट कीजिए, आपका पैशन क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रवीण हम अपना पैशन कैसे जाने हैं, मैं तो कई काम करने में मज़ा पाता हूँ। तो मैं कहता हूँ जिस काम को करने में आप मज़ा पाते हैं वो तो हॉबी है, लेकिन वो काम जो कि आपको नींद आ रही है फिर भी आप करेंगे वो आपका पैशन हो जाता है। आपको भूख लगी है आप खाना छोड़ के वो काम करें वो आपका पैशन हो जाता है। तो समझिए आपका पैशन क्या है। तो आप दूसरा स्टेप फुलफिल कर लेते हैं, हंट फॉर योर पैशन। फिर तीसरे स्टेप पर आइए, इवेलुएट द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर पैशन, कि आपका जो पैशन है उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी है। कल को जब आप इस पैशन को एक सर्विस में एग्जीक्यूट करेंगे तो कितने यूटिलिटी आप जनरेट कर पाएंगे अपने कस्टमर्स के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पॉकेट में, ये उसकी प्रोडक्टिविटी है। और अगर आपका जो पैशन है वो प्रोडक्टिव नहीं है तो उस पैशन को छोड़ के दूसरा पैशन देखिए, कहीं लिखा है क्या कि एक ही पैशन से स्टक रहना है? ऐसा तो होता नहीं कि हमको एक ही काम करने में अच्छा लगता है, कई बार 2-3 काम भी हम कर सकते हैं। तो अगर वो पैशन आपका प्रोडक्टिव नहीं है, अब जैसे मुझे ये टेबल साफ़ करने मज़ा आ रहा है तो इससे मैं कोई पैसे थोड़ी ना बना सकता हूँ,
लेकिन अगर मुझे एक टेबल बनाने में मजा आता तो कल को मैं एक कंपनी बना सकता था जिसमें कि कई टेबल बनाऊं, अलग अलग तरह के टेबल बनाऊं, दुनिया की सबसे अच्छी टेबल बनाने वाली कंपनी में बना दूं, तो उससे पैसे जनरेट हो सकते थे। तो अपने पैशन की प्रोडक्टिविटी समझकर चौथे पॉइंट पे जाइए, एंगेज योरसेल्फ इनटू इट एनीहाउ, अपने आप को उसमें बिल्कुल डुबा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से सीखिए, समझिए, बेस्ट बनिए उस चीज़ में, आपसे अच्छा कोई चीज़ में हो ना उस पर्टिकुलर काम में। तो अपने काम को समझिए, उसमें बेस्ट बनिए, यही आपको पहले साल में करना है, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ भी। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो लोगों ने ऐसा किया है। मैं टाटा बिरला अंबानी का एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं उन लोग का एग्जांपल लूँगा जिनकी उम्र कम थी, 20-22 साल की एज में वो भी एंटरप्रेन्योर बने और बहुत सफल भी हुए, हमारी आपकी तरह ही। पहले पीढ़ी के बिजनेसमैन त्रिशीत अरोरा टैक्स सिक्योरिटीज़ के फाउंडर हैं। हैकिंग करने में इनको बड़ा इंटरेस्ट था, कोडिंग करने में बड़ा इंटरेस्ट था, कंप्यूटर टेक्निकल नॉलेज बड़ा चाहिए था। अब हैकिंग तो इलीगल है, तो उन्होंने अपने पैशन को एथिकल हैकिंग में कन्वर्ट कर दिया और इस स्किल से बड़ी बड़ी कंपनीज में बग हैक करके दिखाते थे उन कंपनीज को, देखिए आपका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है, इसको ऐसे सही कीजिए, और उन कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। यूएस की बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करने और कई मिलियन डॉलर में इनकी कंपनी टैक्स सिक्योरिटीज़ का आज नेटवर्थ है। उम्र महज 26-27 साल है इनकी और 18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर चुके थे। इन्होंने एक पैशन समझा, उस पर काम किया, बेस्ट बने और उस पैशन को फिर एक सर्विस में कन्वर्ट करके लोगों से पैसा लिया, काम बनाया, बढ़ाया, एम्प्लॉय रखे, और यही आपको भी करना है। जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। हमारी धरती तो वीरों की धरती है, महापुरुष पैदा होते हैं, उनमें से कुछ आप होंगे। ऐसे ही एक वीर थे हनुमान जी, जामवंत उनको उनके पोटेंशियल को याद दिलाए तब वो जाने कि मैं ये सब भी कर सकता था। तो एक जामवंत है, एक प्रवीण है, आपको आपकी पोटेंशियल याद दिला रहा हूँ। तो अपने अंदर के हनुमान जी को जगाइए और गरीबी की लंका को आग लगा दीजिए। गरीबी महज आपकी नहीं, जब आप खूब पैसे कमाएं तो अपने आप को फ्रूटफुल पोजीशन पे ले जाइए, लेकिन फिर अपने समाज की मदद कीजिए। दूसरा स्टेप मेरा, जो कि आपको दूसरे साल में लगभग अपनाना है, कन्वर्जन ऑफ योर पैशन इनटू प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आपका जो भी पैशन है, मानते हैं मेरा पैशन है गेमिंग, गेम खेलना मुझको बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन पबजी फ्री फायर खेल सकता हूँ, अब मुझे इसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। मैं खेलता रहूँ तो उससे कोई लाभ तो है नहीं, लेकिन खेल कर उसमें बेस्ट हो जाऊँ या फिर कोई भी काम करके उसमें बेस्ट हो जाऊँ, फिर जाऊँ इसका मोनेटाइजेशन की ओर, तब फ़ायदा है। मैं बड़े बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ गेमिंग में, लोग मिलियन डॉलर कमा रहे हैं गेमिंग इवेंट्स जीत कर, फ्री फायर वगैरह के। आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, आप अपनी साइट शुरू कर सकते हैं, और फिर जब आप और ज़्यादा सीख समझ लें तो खुद के गेम लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा कौन समझ सकता है कि गेम में क्या कमी है, गेम में क्या अच्छाई है। लेकिन आपको वैसा सोच विचार करना होगा लंबे समय तक। तो ये है पैशन का कन्वर्जन, प्रैक्टिस एंड गिव इट टाइम, उसमें बेस्ट बनिए, इतना बेस्ट बनिए कि आपके कॉलेज में उस पर्टिकुलर काम में आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपके लोकेलिटी, आपके शहर में आपसे अच्छा उस पर्टिकुलर काम में कोई नहीं है। इन्जॉय एक्सप्लोरिंग आइडियाज़, उस पर्टिकुलर फील्ड में खूब एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, समझिए लोगों ने क्या किया है पास्ट में उसमें, और कैसे आप उसमें कुछ यूनिकनेस ला सकते हैं, जो चीज़ पहले से चल रही है उसमें कुछ यूनिकनेस ला के फिर लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। एनालाइज द इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जितना हो सके उतना एनालाइज कीजिए, दूसरे साल में आपको ये काम करना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रितेश अग्रवाल जी का लिया है, अभी उनकी उम्र लगभग 29-30 साल है, वो रूम के फाउंडर हैं, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के ही एक शहर आगरा में आकर इन्होंने ओयो रूम के बारे में सोचा, क्योंकि घूमते फिरते बहुत थे कम एज में, जब टीनेज थे तो बहुत घूमते थे, पैसा होता नहीं था तो सोचते थे कम पैसे में कैसा डिसेंट रूम मिलेगा मुझको, समस्या दिखी सोसाइटी में तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके इन्होंने बिजनेस बना दिया। जो प्रॉब्लम है उसी में आप बिजनेस हंट कर सकते हैं, और आज इनकी जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.1 बिलियन डॉलर का है। मैंने पहले ही कहा हिंदुस्तान वीरों की धरती है, राहत सर का मुझको एक शेर याद आता है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, यहाँ पर जान के दुश्मन गरीबी है फिर भी हम उससे लिपटे पड़े हुए हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसे और वीर हिंदुस्तान से पैदा हों, आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि तीसरे साल में आप सब हिट कर जाइए, शुरुआत कर जाइए, अब सोचिए नहीं, दो साल आपने बहुत सोच लिया है, तीसरे साल में अपने बिजनेस की शुरुआत कर डालिए। अब आप सोचेंगे पैसे कहाँ हैं मेरे पास, मैं बिजनेस कैसे शुरू करूँ, रिसोर्सेज कहाँ हैं, जितना है उतना शुरू कीजिए। 1,00,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 500 रुपये है, जो है उससे शुरू कीजिए। अब प्रफुल बिलोर
कितने बड़े आदमी हैं आप जानते ही हैं, इस समय नाम है काफ़ी इनका। इन्होंने तो चाय की रेडी लगा के शुरुआत कर दी, अब इनसे बड़े तो आप होंगे नहीं। अभी हो सकता है आप हो भी, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो छोटी शुरुआत करने में कैसी शर्म। जितनी हो सके उतनी छोटी शुरुआत कीजिए, ताकि आप कल को गिरे भी तो आपको ज़्यादा चोट ना लगे। डेट से बचिए, लोन कर्ज से बचिए, शुरुआत छोटी कर ले जाइए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि या तो आप पैसा लगाइए बिजनेस में तो चलेगा, या तो समय लगाइए तो चलेगा। समय है आपके पास, पैसा तो है नहीं, और हो तो भी मत लगाइए, घर से पैसा मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि छोटी शुरुआत करें और बिजनेस को चलाइए, स्टार्ट कर ले जाइए। जितने रिसोर्सेस हैं यूटिलाइज कीजिए। रोइए मत कि मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि अब्राहम लिंकन ना माचिस की तीली और कोयले से लिख पढ़ के अब्राहम लिंकन बन गया, राष्ट्रपति बन गया दुनिया के सबसे ताकतवर देश का। तो अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, फिर भी आपके पास बहुत रिसोर्सेस है। पेन तो है ना, अब्राहम लिंकन से तो ज़्यादा था। तो रोना मत, रोइए और शुरुआत कर दीजिए। स्टार्ट लो बट नॉट स्लो, छोटी शुरुआत कीजिए पर धीरे नहीं, उसको बढ़ाइए। जितनी एनर्जी लगा सकते हैं लगाइए। पढ़ाई को साथ में आपको मैनेज करना होगा, पढ़ाई से ना भागिएगा। कीप नो अदर ऑप्शन, अपने आप को ऐसा मत रखिएगा कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे। जो सेफ प्ले करना होता है ना, ये आम आदमी की पहचान है कि हम सेफ प्ले करते हैं। इसीलिए तो जहाँ पर 5000 पोस्ट आती है उसमें 50,000 भर्ती या 500,000 भर्ती हो जाती है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो सेफ प्ले है। आम लोग सेफ प्ले करते हैं, एंटरप्रेन्योर सेफ प्ले नहीं करते हैं। शुरुआत से ही ऐसी आदत डाल लीजिए आप। मैंने एग्जाम्पल लिया प्रफुल्ल बिलोर जी का, उम्र मात्र 24 साल, टर्नओवर करोड़ों में, MBA चाय वाला, नाम है इस समय, ब्रांड है इस समय, कई शहरों में फ्रेंचाइजी हो चुकी है, चाय सब बेचते हैं, लेकिन उन्होंने चाय में कुछ यूनिकनेस लाया। मैंने बताया ना, फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दी, MBA चाय वाला। तो आप सब तो अभी ग्रेजुएशन में ही हैं, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। सेम कॉपी ना कीजिए, लेकिन सीख लीजिए। क्या करना है आप जानिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये बिजनेस कीजिए, वो आपको पता है, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आपको स्वयं सोचना होगा, स्वयं करना होगा। अगर आप BBA MBA पढ़ाई करेंगे तो ये चौथा जो पॉइंट है वो आप कॉलेज में पढ़ाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो बिजनेस आपने शुरू कर दिया उसको कैसे चलाएं, मैनेज कैसे करें, ये आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले जो मैंने बताया कि सोचिए, ध्यान लगाइए, रिसोर्सेज का यूटिलाइज कीजिए, शुरुआत करिए, ये आपको किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपके अंतर्मन से आपको समझना होगा, अपने दिमाग से एनालाइज करना होगा। अब आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा BBA MBA में कि कैसे आप बिजनेस को मैनेज करें, क्योंकि ये कॉलेज वाले चाहते ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम चाहता ही नहीं कि आप बिजनेस किए, चाहता है कि आप स्लेव बने, बोला क्यों, अंग्रेजों के ज़माने का एजुकेशन सिस्टम था। पर हम चलिए कोसते नहीं हैं, और जो है उसी में खुश रहते हैं। आपको समझना होगा बिजनेस आप कैसे मैनेज करेंगे, और उसमें जो कुछ सबसे अच्छे टूल्स हैं वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, कस्टमर को भगवान मानिए। एक कस्टमर आए उसको भगवान की तरह ट्रीट कर दीजिए, देखिए वो दोबारा आएगा। एक कस्टमर, ज़्यादा कस्टमर आ जाएं ये तो ज़रूरी है, लेकिन जो कस्टमर आए वो बार बार आए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी वो काम मत करिएगा दोस्तों जिसके लिए आप किसी को इम्प्लॉय कर सकते हैं, वही काम करिएगा जो कि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो इम्प्लॉयज़ को रखिए, इम्प्लॉयज़ से काम लेना सीखिए, समझिए, और अंडरस्टैंड कीजिए किसी सिचुएशन से बाहर कब आना है, ये आपको पता होना चाहिए। झुनझुनवाला जी कहते हैं कि अगर आप लॉस मेक कर लिए हैं तो बाहर हो जाओ, अगर फिर भी लगे हो तो फिर आप और लॉस कर लोगे, लॉस कवर नहीं कर पाओगे। तो सिचुएशन को समझना होगा कि कब हमें बाहर आना है किसी डील से, कि इतनी मेहनत कर लिया, आप छोड़ दो इसको। अर्न टू इन्वेस्ट नॉट टू इन्जॉय, जो पैसा आप शुरुआती स्तर में कमाएं उसको आप इन्वेस्ट कीजिए वापस अपने बिजनेस में। मैं चाहता हूँ यू फीड योर स्मॉल इन्फेंट विच यू हैव क्रिएटेड लाइक योर बिजनेस, सो दैट इट कैन बिकम अ बिग मैन एंड प्रोटेक्ट यू फॉर एवर ऑफ योर लाइफ। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा आपको जिंदगी भर संभालेगा, इसलिए जो आप कमाइए उस बच्चे को खिलाइए। मैं देखता हूँ 15-16 साल के लड़के आईफोन, गाड़ी, बाइक्स लेकर स्टेटस सिंबल अपना बना लिए हैं, और ये प्लास्टिक के टुकड़े जो फ़ोन और गाड़ी जो लोहे के, इनसे क्या स्टेटस सिंबल बनाना है? क्या आप अपने स्तर व्यक्तित्व का इतना नीचे हो गया है कि प्लास्टिक और लोहे के टुकड़े हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे? अगर व्यक्तित्व का स्टेटस बढ़ाना ही है तो अपनी बातों से, अपनी पहचान से, अपने स्वभाव से, अपने उदार भाव से, अपने करुणा से अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगाइए। क्या इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम
फिजिक्स वाला का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, अलक पांडे मेरे प्रयागराज से हैं, उम्र महज 34 साल और हजारों करोड़ों कंपनी बना ली। फिजिक्स वाला की कैपिटलाइजेशन बिलियन डॉलर में हो चुकी है। छोटी शुरुआत, महज 4 साल में ये मुकाम पाया उन्होंने और इनको समझ आया कि कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करना है। ये जो पॉइंट है कि अपने बिजनेस को सही से आपको मैनेज करना है ग्रो करने के लिए, तो इनको समझ में आया। 1900 टीचर के रखे हुए हैं अभी, तो 1900 टीचर को मैनेज करना भी कठिन होता है। ये गुण इनके अंदर है कि अकेले ये करोड़ों बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, पर 1900 टीचर रख लेंगे तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन 1900 को मैनेज करना इनको आना चाहिए। ये हुनर है बिजनेसमैन का। बस दोस्तों, फाइनल में कुछ बातें हैं, जैसे कि मेक बिजनेस ऑन सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का बिजनेस बनाइए। मैं टैक्सी में नहीं बैठना चाहता, अच्छी गाड़ी में बैठना चाहता हूँ पर गाड़ी नहीं खरीदना चाहता हूँ, ये समस्या थी तो ओला उबर आ गया। मैं अच्छे होटल में जाना चाहता हूँ पर बहुत पैसा नहीं देना चाहता हूँ, छोटे होटल में अच्छी व्यवस्था हो तो ओयो रूम आ गया। मैं बाहर जाके खाना चाहता हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे बाहर का खाना खाना है तो जोमेटो स्विगी आ गया। ये दुनिया भर की जानकारी एक जगह पे चाहिए पर वो जगह नहीं मिल रही है और इंसाइक्लोपीडियाज घर में रख नहीं सकता इसलिए विकिपीडिया आ गया। सामान मुझे ख़रीदना है जो कि दिल्ली में मिल रहा है तो इंडिया मार्ट आ गया, अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। आप समझिए क्या समस्या है सोसाइटी में, उस समस्या को सॉल्व करने वाला बिजनेस बना दीजिए। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल फ्रॉम लर्न एंड अर्न, पहले सीखिए और फिर अपने सीखे हुए काम से बिजनेस बना लीजिए। वर्क टुडे एंड टुमारो इन्जॉय, ये बहुत ही बड़ी सेइंग है। अगर आज काम कर रहे हैं तो कल मजा करेंगे और आज मजा कर रहे हैं तो कल सजा काटेंगे, और आज काम कर रहे हैं तो कल मजा करेंगे और कल अगर मजा ही कर रहे होंगे तो परसों फिर सजा काटेंगे। काम करिए मजा लीजिए, काम करिए मजा लीजिए, बैलेंस बना के चलिए। As you sow, you shall reap, ये बताने की ज़रूरत नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। Honesty is the best tool ever, अपने बिजनेस में हमेशा ईमानदारी रखिए। Lastly, do your best and he will take care rest, he कौन, he प्रभु भगवान, उनको हमेशा मन में रखिए, उनको याद कीजिए। एक एक छोटा फैसला जब आप अपने लाइफ में अपने बिजनेस में लीजिएगा तो ये सोचिएगा कि ज़मीर के स्तर पर क्या ये सही था, बिजनेस के स्तर पर सही गलत हटा दीजिए, ज़मीर के स्तर पर सही था कि नहीं था, ताकि आप जब शीशे में अपना चेहरा देखें तो लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। ऊपर प्रभु को अपना चेहरा दिखाऊंगा तो मन में संकोच न रहे कि मैंने गलत किया था। कहते हैं जिसने लगाया अपना दिल भगवान में उसका दिया भी जला रे तूफान में। इसी बात के साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया होगा कैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने बिजनेस की जर्नी शुरुआत करने की बीज बो सकते हैं और कैसे उसको सींच कर एक बड़ा पौधा बनाना है, पेड़ बनाना है ताकि फल खा सके। कोई सवाल हो, कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिएगा। और अभी के लिए मुझको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।